इंडिया में रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले और घायल होने वालों को इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्लेम दिए जाने का एक प्रावधान है। हालांकि इसको लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके पैरों तले धरती खिसका सकती है। IRDAI से RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी मिली है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े लगभग 80,455 करोड़ रुपए के लगभग 10,46,163 दावे यानी क्लेम्स पेंडिंग है, और ये सभी क्लेम्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 से शुरू हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक, और इनकी संख्या 18-19 से लेके 22-23 तक बढ़ती ही चली गई। आगरा में रहने वाले वकील केसी जैन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पेंडिंग क्लेम की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले और घायल व्यक्तियों के आश्रितों के दावों के निपटान में भी देरी आ रही है। आइए देखते हैं कि पिछले 5 सालों में नंबर्स किस तरह से बढ़े। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 52,713 करोड़ रुपए के 9,09,166 क्लेम, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 61,051 करोड़ रुपए के 9,39,160 क्लेम, 21-22 में 70,722 करोड़ रुपए के 10,08,332 क्लेम, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 74,718 करोड़ रुपए के 10,39,323 क्लेम, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के 80,455 करोड़ रुपए के 10,46,163 क्लेम। इसके बाद रीजनल लेवल की इन्फॉर्मेशन के बारे में IRDAI ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम की जानकारी ये अपने पास नहीं रखता। अब आपका इस साल दर साल बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट क्लेम के पेंडिंग होने और इसकी प्रॉब्लम पर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जल्द बताएं।